खबर बागपत से है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वरूप सामने आने पर ही चर्चा संभव है। देश में पुरुषों और महिलाओं को मिले समान अधिकार, भाजपा और राजभर के कहने से कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर बोले जयंत चौधरी, देश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जयंत चौधरी, विकास के लिए 2024 में होगा नया सवेरा, ऐसा कहा है जयंत चौधरी ने। यूसीसी का क्या स्वरूप है ना, मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, तो चर्चा भी करना बेकार। यहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहाँ अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही नहीं। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। अब सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती, दूसरा विषय। चौधरी साहब, राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या महाराष्ट्र को दोहराया जा रही है यहाँ पर, क्या क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी बीजेपी और राजभर कह रहे हैं, उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से क्या होता है। मेरा स्टैंड क्लियर है, यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था। कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे। महाराष्ट्र की तरह सियासी हालत पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वही खेल यूपी में भी होगा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बात की हमारे संवाददाता वीरेश पांडे। जिस तरीके से एनडीए में अजीत पवार जुटे हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, पूरी पार्टी को उन्होंने तोड़ लिया है, उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हलचल मच गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो महाराष्ट्र में हुआ है वही खेल यूपी में भी होने जा रहा है, बिहार में भी शुरू हो गया है काम। तो हम बिहार की बात ना करें तो बेहतर होगा, हम यूपी की ही बात करें। तमाम नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया से नाराज, वो लोग दल बदल के लिए तैयार हैं, उनके सहयोगी दल भी उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं वार्ता के दौर में, जो बातचीत में, वो यही है कि लोग उनके साथ चलने को तैयार कोई नहीं है। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक वो सब आपके संपर्क में हैं, चूंकि आप गठबंधन में रहे हैं, गठबंधन में उनके प्रचार में भी उनका साथ दिया है आपने, तो आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक भी आपके संपर्क में हैं? कई लोग हैं, अब वो उसका खुलासा हम बाद में करते हैं, पहले बता देंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। बहुत लोग नाराज हैं, वो जान चुके हैं कि अब समाजवादी पार्टी के साथ है, अब वो चीज नहीं रह गई जो माननीय मुलायम सिंह के जमाने में थी, शिवपाल जी के जमाने में थी, अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है। समाजवादी पार्टी आप देखिएगा, जो उनके विधायकों का कहना है, उनके लोगों का कहना है, ये नजर आ रही है, उनकी बातों से ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का वो हश्र होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है, वही हाल यहाँ भी होने जा रहा है। एनसीपी का और का, जो एनसीपी का वहाँ हाल हुआ है वही हाल यहाँ होने जा रहा है। यानी एनसीपी जिस तरह से टूटी है उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी टूट जाएगी, और क्या होगा, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। जब अपना भविष्य हर नेता संवार रहा है ना, हर नेता अपने भविष्य के विषय में सोच रहा है, तो उस स्थिति में जो लोग जान रहे हैं कि हमारा भविष्य यहाँ नहीं है तो वहाँ क्यों रहेंगे भाई, पटना क्यों नहीं गए, एक उदाहरण है ना पटना न जाने का। आप देखिएगा आगे भी जो रैली होने जा रहे हैं, उनके बैठक होने जा रही है, वहाँ भी नहीं पहुँचेंगे। अखिलेश यादव की बैठक में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, देख लीजिएगा। यानी जयंत चौधरी के संपर्क में हैं आप? अब सारी बात हम नहीं खुलासा करेंगे ना, बताएंगे समय पर। समय पर बता देंगे अखिलेश यादव को? नहीं, हम उनको क्या बताएंगे, जो कारनामे हैं उसको बताएंगे, क्या हो रहा है उसको रिजल्ट हम देंगे। बिहार में क्या होगा? बिहार में भी वही होगा जो महाराष्ट्र में है। अभी है कि अभी विकल्प सरकार बनाने की तैयारी हो जाए तो फिर वो लोग भी वहाँ भी जिस तरह की हलचल है, उठापटक शुरू हो गई है।
यूपी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो टूटने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ वो समाजवादी पार्टी से टूटकर एनडीए के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर के साथ आएंगे। अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। जयंत चौधरी भी उनके संपर्क में लगातार बने हुए हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।